बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिद इस्माइल कुछ और स्टॉक के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिनकी रिक्वेस्ट पाइल अप, जिस तरह मैं बताता जा रहा हूँ पाइल अप हो रही है, रिक्वेस्ट आ रही है मुझे बहुत सारी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो जिन्होंने सबसे पहले रिक्वेस्ट दिए उनको जो है मैं पिक करूँ, चूज करूँ उनको। तो उसमें आज मैंने कुछ स्टॉक पिक किए हैं, जिसमें है टावलर्स लिमिटेड, यूनिटी फूड्स और एसगार्ड 9 ANL, TOWL, यूनिटी एंड ANL। तो चलिए आइए सबसे पहले टावल का करते हैं। अच्छा, मैंने इस वक्त जो है चूज किया है मंथली, क्योंकि मंथ अब एंड हो गया है तो मंथ को ही हम देखते हैं। और वैसे भी अगर ये देखें तो ये टावलर का स्टॉक जो है इसमें वॉलेटिलिटी वैसे तो आती है, प्राइस अप्रिसिएशन मिलती है, वॉलेटिलिटी इतनी है नहीं। अभी आप देखें तो ये महीने के हिसाब से यहाँ पे ये इसने जो अभी हाई किया था वो तकरीबन 338 का था, लेकिन वहां पे देखें बहुत बड़ी विक बने हम देखी हमने वहां पे। ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बता रहा हूं आपको कि यहां से फिर ये नीचे ड्रॉप होता गया, इसने अपना हाई किया, ये वाला मैं बना देता हूं ये, ठीक है। एक्चुअली ये था 296 का, जो इसके पिविटल रेजिस्टेंस था ना इसका, एक्चुअली ये 296-97 यहाँ पे जो है ना, इसको हम 295 कर देते चले टू बी ऑन द सेफ साइड राउंड फिगर में, ये 95-96 ये मैंने ये यहाँ पे दे दिया। तो ये एक एक्चुअली इसका पिविटल मंथली का पिविटल रेजिस्टेंस ये था, तो इसको भी इसने ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया और यहाँ बहुत बड़ी रिजेक्शन देखी, और इसकी क्लोजिंग फॉर फर्दर अपसाइड होना बहुत जरूरी है यहाँ पे इसके ऊपर। एटलीस्ट अभी जो नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर दू, ये नेकलाइन, इसकी जो नेकलाइन रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है 249, तो फिर हम करीब दोबारा ये रिटेस्ट होता है, बस देख सकते हैं लेवल्स 295 और 338 के अराउंड जो है ये हम फिर दोबारा रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में हम सर सीपीआर की हेल्प से लेंगे, क्योंकि सीपीआर यहाँ पे देंगे थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है, इतना ज्यादा श्रिंक नहीं हुआ है। तो सीपीआर का लेवल सबसे पहले तो सीपीआर का लेवल लेंगे 216, उसका अपर बैंड है फॉर फर्दर अपसाइड, इससे आपको इंडिकेशन मिलेगी कि यहाँ इसके ऊपर अगर ये परफॉर्म करता है 216-217 के ऊपर, यहाँ पे इसकी सस्टेनेबिलिटी हमको मिलती है, सस्टेन करता है तो फिर ये हमारा ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी होगा मंथ ऑन बेसिस पे बिटवीन 230 एंड 250, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये हो गया ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी। तो फिर इसके बाद जो वापस ये 295 का एक तो ये रेजिस्टेंस, ये हर्डल कह लें बीच में इस टॉप के पहले 338 का टॉप भी वापस रिटेस्ट कर सकता है और इसको भी रिटेस्ट कर सकता है। अगर ये 250 को क्रॉस करता है तो अगला टारगेट होगा 295 के अराउंड, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मैं टारगेट दे देता हूँ, ये वाला फिर अगला टारगेट होगा, ये फिर टारगेट होगा और फिर अगला टारगेट ये होगा 338, ठीक है। और अभी फिलहाल अगर हम इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखें, जो क्वार्टरली का आया था अच्छा आया था 224 रुपीज जो है, और ईयरली जो है इसने 91 रुपीज पोस्ट किया था अपना अर्निंग विद अलोंग विद 30% डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड था। जाहिर सी बात है 24 रुपये अर्निंग आई है उसमें, 30 रुपये तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये के बहरहाल अच्छा डिविडेंड कहलाएगा। इसी वजह से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, इसी वजह से ये नीचे आया, यहाँ पे इसने ये इसका इसको लो भी किया ये वाला एरिया और इसको रिटेस्ट भी किया अच्छी बुलिश कैंडल के साथ और निगेट भी किया, मतलब ये तीनों चीजें एक साथ हुई है यहाँ पे ना, रिटेस्ट भी हुआ यही लेवल और इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ना सिर्फ रिटेस्ट हुआ बल्कि यहाँ से इसको ऑनर भी किया अच्छी बुलिश कैंडल के साथ। तो अभी भी देखें तो ये एरिया अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, यहाँ पे 130 का एरिया जो है बहुत ही सपोर्ट अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो सपोर्ट है वो 776-70 के अराउंड है, ये वाला एरिया जो है इसका लोअर बैंड जो है 177-176 इसके दरमियान जो है अप डाउन होता जाता है, यहाँ से भी वीक बन सकती है, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना इसमें इतनी ज्यादा वॉलीटिलिटी नहीं होती है, मंथली पे इसको देखा जाता है तो मंथली पे यहाँ पे फिर कोई अगेन यहाँ पे वीक बन सकती है, क्लोजिंग इसके ऊपर आए तो आप एंट्री बनती है, यहाँ पे लेना चाहिए एंट्री, इसकी कंफर्मेशन मिल जाती है कंफर्मेशन के बाद। तो जिस तरह यहाँ देखें ये इसने इसको किया, इसकी कंफर्मेशन इसको निगेट किया इसने, इसकी कंफर्म नहीं हुई इसकी है, वरना तो ये और नीचे आता, बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल थी बनती चली आ रही थी यहाँ पे,
और अगर ये कोई बेरिश कैंडल बनती, इसको ब्रेक करता अगर लेवल, तो फिर ये वापस ये बॉटम जो है इसको रिटेस्ट करता, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये भी अच्छा एरिया बनता बना दरार 82 के अराउंड। लेकिन अभी हम अगर ट्रेंड लाइन के हेल्प से देखें, यहाँ पे अगर हम ये ट्रेंड लाइन एक प्लॉट करते हैं, यहाँ पे लाइन बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये वाला है, तो ये वाला एरिया जो इस वक्त ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है, ये वाला एरिया बनता बना आ रहा है वन मंथली पे, ठीक है, 180 148 के अराउंड, ठीक है। तो हम इसको प्राइस एक्शन से ही ले लेते हैं, इसकी नेक लाइन सपोर्ट ले लेते हैं, ये जो ये कैंडल है इसकी हम नेक लाइन सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है, इसमें यहां पे लिख भी देता हूं एरिया ऑफ वैल्यू, मतलब यहां पे रिस्क लेना ही है आपने, यहां पे घबराहट नहीं करनी आपने, वो हो अब ये जाते बाते नो रिस्क नो गेन, कहीं ना कहीं तो आपने रिस्क लेना है। बस टेक्निकल से ये हेल्प मिल जाती है कि आप छोटे छोटे दो दो रुपए या तीन तीन रुपए चार चार रुपए में एवरेज नहीं बनाए आप, अगर आपने आप तो अपर साइड पे कोई स्टॉक ले लिया है तो टेक्निकल से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमें एवरेज अच्छे रेट पे मिले, हम डिस्काउंटेड और मजीद हमको डिस्काउंटेड अगर ये स्टॉक होता है तो फिर हमको अच्छे उस पे मिले, तो हमारी एवरेज भी अच्छी हो, अच्छी प्राइस में मिले। तो ये बहुत अच्छी प्राइस है 150 के अराउंड, ये बहुत अच्छी प्राइस है ये, और 130, 130 और 150 के अराउंड आपने यहाँ से बाय करना शुरू कर दें, यहाँ तक भी लेते रहे, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे गैप आता है 20 रुपए का, तो फिर आप नेक्स्ट जो है यहाँ पे लें, यहाँ पे थोड़ा सा लें, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लें, अभी बनता है 204 रुपए 205 रुपए, अभी फिलहाल तो ये अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, 216 से लेके 230, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा लें, या फिर इसके ब्रेकआउट का वेट करें, एटलीस्ट 217 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट दोबारा जैसे यहाँ पे आया रिटेस्ट किया, यहाँ पे फिर रिटेस्ट किया, तो अगर यहाँ बार बार रिटेस्ट करो और अच्छी बुलिश कैंडल बन रही हो, बेरिश कैंडल के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल भी निगेट कर रही हो तो फिर आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। तो ये आपको इंट्राडे में पता चल जाएगा, ठीक है ना, ये डेली पे भी ये काम कर जाएगा, ये जो 217 का जो है ये डेली पे भी सपोर्ट बन जाएगा फिर ये अगर ब्रेकआउट के बाद। तो अभी इस वक्त जो देखें तो ये मैंने आपको एरिया ऑफ वैल्यू बता दिया, ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी बता दी है, और सबसे बड़ा सीपीआर, सीपीआर की मदद से आप जो है अपनी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, सीपीआर में भी अच्छा खासा इसमें, ऑल दो अगर देखें तो सीपीआर श्रिंक हो रहा है मंथली पे, देखें मैं अगर आपको बताऊं, ये अगर इसका एक्चुअल अगर देख लें, ये देखें तो थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है, ठीक है ना, ये हमने इसका नॉर्मल साइज लिया है तो इस पे थोड़ा सा ये देखें इसको श्रिंक हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो रहा, तो अभी वॉलेटिलिटी आ सकती है इसमें। अच्छा सबसे बड़ी बात आरएसआई भी देखें तो इस वक्त वॉल्यूम ये, हाँ अच्छा वॉल्यूम अच्छा हुआ है, 2 मिलियन का हुआ है इसमें, इस महीने में बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ है इन 2 महीने के मुकाबले, बल्कि 3 महीने के मुकाबले में इस महीने जो है नवंबर के महीने में अच्छा वॉल्यूम जनरेट हुआ है, अलॉन्ग विद प्राइस एप्रिसिएशन भी देखें, बहुत अच्छा यहाँ पे एप्रिसिएशन भी मिली प्राइस की। अब इस महीने में देखते हैं क्या होता है, बहरहाल अभी इस महीना स्टार्ट हुआ है तो इस महीने में ये लेवल भी हम रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं, जो मैंने आपको लेवल मेंशन किए हैं मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 199 या 200 रुपए, 176 रुपए या 178 रुपए, 150 रुपए, 151 रुपए, 130 रुपए, 131 रुपए, ये जो है मैं आपको लेवल बता दिए हैं, तो यहाँ पे आप जो है इसको एक्यूमुलेट करें और देखें। तो इसमें अभी थोड़ा सा और मैं इसको जूम इन करके बता दूं, अभी जो लेटेस्ट जो है ये अभी इसकी अर्निंग आई थी क्वार्टरली की 29 रुपए, बहुत अच्छी आई है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा आया है तो ये लेना चाहिए आने वाले दिनों में। अच्छा अब हाई कहाँ तक जा सकता है, हाई तो मैंने जो आपको बता दिया 338 ये टारगेट होगा दूसरा टारगेट, ठीक है। अगर फिर हम लाइन चार्ट की मदद से इस पे फिबोनाची प्लॉट करेंगे, ठीक है, एक ये भी जैसे फिबोनाची 0.618 यहां पर भी आ सकता है, यहां से भी रिजेक्शन देख सकते हैं हम, ठीक है ना, ये वाला लेवल इसको मैं रेड कलर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं इसके, ठीक है, 295 है, 323 है, 338 है, ये एरिया जो है रेजिस्टेंस के। अगर इसको सबसे बड़ी बात कम से कम भी ये जैसे मैं आपको लाइन चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ 250 के ऊपर ये अगर परफॉर्म करता है, दूसरी बात ये जिसने ये हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, अच्छा ये हैंड एंड शोल्डर रिवर्स हैंड एंड शोल्डर इनके लिए ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट कर जाए, इनकी कंफर्मेशन जब होती है जब ये वाला शोल्डर राइट शोल्डर जो है ये इसके नीचे क्लोज हो तो फिर ये नीचे आएगा, और दूसरी बात देखें ये
130 के नीचे जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसके नीचे कोई बेरिश कैंडल बनती है तो फिर अगेन ये आपको 82 और भी नीचे दिखा सकता है। अच्छा थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री भी देख लें, हिस्ट्री भी अगर आरएसआई के हिसाब से देखें मंथली, तो मंथली आरएसआई देखें यहाँ हमेशा 47, 59 और 57, 64 अथवा आप बारह से बता रहा हूँ बिटवीन 40 to 65 ये या 70 समझ लें, यहाँ पर भी 64, 58 बिटवीन 40 to 65 ये रहा है, बल्कि 40 भी आई थिंक नहीं आया है, 48 आया नीचे, 49, 41 हाँ बस ये समझे बिटवीन 40 to 70 ठीक है, ये इतना रहता है 40 पे, मतलब समझे 60 आ जाए तो आप फिर उसको बाय करना शुरू कर दें। आरएसआई जैसे ही नीचे आ जाए 60 to 40 जो है 60 तोड़े जैसे ही आरएसआई 60 तोड़े जैसे अभी इस वक्त आरएसआई 53 पे है तो बाय बनती है, 60 के नीचे नीचे 40 तक बाय बनती है, 60 के ऊपर ऊपर सेल बनती है इसकी। अब इसमें आरएसआई मैंने आपको बता दिया है ये आपको ये आरएसआई है 60 के अराउंड है तो इस वक्त अभी सेल नहीं बनती, सॉरी बाय नहीं बनती है, थोड़ा वेट करना चाहिए ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी आरएसआई 60 है, 60 के नीचे जैसे ही आया ना, जैसे यहाँ पर आया था 60 के अराउंड आया था, यहाँ पे आरएसआई 53 पे आया था तो यहाँ बाय बनती है, यहाँ पे देखें 56 आया था, 60 के नीचे जैसे ही 60 तोड़े 57 आ जाए 56 आ जाए तो आपने यहाँ, और दूसरी बात ये आपको सीपीआर के हेल्प से भी पता चल जाएगा कि ये बाइंग लेवल कहाँ पर है। तो अभी फिलहाल जो है इस पर मैं बता रहा हूँ हैंडल शोल्डर बन रहा है, उसका ब्रेकआउट भी अगर होता है मिलता है जैसे इसको सस्टेन करता है ये वाला लेवल 217 के ऊपर, इवन अगर इसको सेफ साइड ले लें तो 250 ले लें, 250 के ऊपर ये आपको दोबारा से ही दिखा सकता है और इवन ये वाला लेवल भी दिखा सकता है आने वाले दिनों में, 441 का लेवल ये भी एक टारगेट हो सकता है, 440 441 ये वाला लेवल। अच्छा अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ आ जाते हैं, यूनिटी की तरफ आ जाते हैं, चले यूनिटी को ले लेते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है, तीन स्टॉक है तो उसको उस हिसाब से लेने लेके चलना पड़ता है। अच्छा यूनिटी का भी देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ये एक एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। यूनिटी में पहले भी एनालाइज कर चुका हूँ, जब ये 12 रुपए था तो मैंने रिकमेंडेशन रिकमेंड किया था इसको बाय करने के लिए 12 रुपए के अराउंड विद स्टॉप लॉस, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गेन देखा है, मतलब देखें तो ये 29 रुपए तक गया है ठीक है। वैसे तो इसका एरिया जो है वो यही बन रहा है 2675, लेकिन इसने यहाँ पर अपर जो है यहाँ पे वीक बनाई है, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये यहीं से पलट रहा है बार बार जो ना, वैसे इसका नेकलाइन ले ले तो इस बेरिश की नेकलाइन और ये सीपीआर दोनों सिंक्राइज हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करके बता दूं, ये बेरिश कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग है वो 2665 के अराउंड है, मेरे पास सीपीआर 2675 आ रहा है, तो आप 27 रुपीज ले लें, 27 सस्टेन करता है तो फिर आने वाले दिनों में आपको ये अच्छा गेन दे सकता है ठीक है ना। ये फिर जो है ये रीटेस्ट आने वाले दिनों में ये लेवल हो सकता है 33 के अराउंड जो है अपने आप को रीटेस्ट कर सकता है ये वाला एरिया, इसी को हम ले लें 33 34, इस तरह ये एरिया वापस रीटेस्ट कर सकता है। तो अभी जो फिलहाल जो है एरिया आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा है 27 के अराउंड ठीक है, ये आप राउंड फिगर में ले लें। अच्छा अब हम आ जाते हैं ट्रेंड लाइन के, पहले तो देख लें इसमें इसके फाइनेंशियल है, क्वार्टरली अभी अर्निंग आई है इसकी वो 1.17 रुपए, अच्छा है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अच्छा इसी महीने में ये दो अर्निंग आई है इसमें लिखा, एक मिनट को थोड़ा सा जूम इन करके देख ले, अभी लेटेस्ट जो आई है वो यही है 1.17 रुपए क्वार्टर की आई है और 48 पैसे जो है ईयरली अर्निंग आई है, तो इतना कोई अच्छा है वो नहीं, कोई पे आउट भी नहीं दिया, वैसे पे आउट ये देता भी नहीं, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो कोई पे आउट नहीं, यहाँ पे उसने पे आउट दिया था 2019 में 1% डिविडेंड दिया था, और जब उसकी प्राइस भी देखें बहुत लो थी 10 रुपए के अराउंड के शेयर था, इसके बाद तो फिर इसने आप देखें मूवमेंट दिखाई, लेकिन फाइनेंशियल इतने अभी इसके स्ट्रांग नहीं है ये बता दूं, आपको सिर्फ कैपिटल गेन देता है डिविडेंड वगैरह नहीं देगा ये, तो कैपिटल गेन के हिसाब से अच्छा है इसको लेके रखें आप। और मंथली पे अगर इसका आर आई सही देखें इस महीने में 56 पर है, 56 है, फिर इसके बाद 54, 55, 52, 58 ठीक है, तो अभी जैसे ये 56 पर है और यहाँ पर ही आया था 54 के अराउंड, तो 54 आर आई से ही आए और सीपीआर का जो लेवल आपको बता रहा हूँ मैं उसकी हेल्प से
इन लेवल्स को आप इसमें वैसे आप देखें तो ये श्रिंक हो रहा है। अच्छा श्रिंक जब सीपीआर श्रिंक हो रहा है, श्रिंक से मुराद बहुत कम जो है स्प्रेड रहेगा आपस में, देखे ना तीन बैंड के दरमियान बहुत कम फासला रह गया है तो प्राइस का, तो उसमें होता ये है कि इसके फिर ब्रेकआउट देखा जाता है। अगर ये ब्रेकआउट करता है एटलीस्ट 25 मंथली पे, अगर ये 25 रुपए सस्टेन नहीं करता है और इसके नीचे बेरिश कैंडल बनती है और उसको इसकी कंफर्मेशन आपको 22 रुपए से मिलेगी, 22 रुपए भी इसको तोड़ देता है तो फिर अगेन ये वाला लेवल रिटेस्ट कर सकता है 15 रुपए 58 पैसे, ये वाला फिर ये कि सपोर्ट लेवल 57 और आ रहा है, फिर नीचे फिर थोड़ा वेट करें। मंथली के हिसाब से बता रहा हूँ जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में काम करते हैं, डे ट्रेड वालों के लिए नहीं है ये इस वक्त। डे ट्रेड वालों का फिर मैं इंशाल्लाह फिर कभी बता दूंगा, डे ट्रेड वालों को मैं ये बता देता हूँ, चले ये ले लें ये एरिया जो है तो 24 रुपए के अराउंड, ठीक है प्राइस एक्शन के हिसाब से इसका ये बॉटम जो है बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसको अगर सस्टेन करता है 24 रुपए के तो फिर ये मजीद अपसाइड दिखा सकता है, वरना अगर ये इसके बाद, क्योंकि देखें ना यहाँ पे मंथली पे भी देखें बेरिश कैंडल बनी लेकिन इसको बुलिश कैंडल निगेट किया, बल्कि इसने इवन यहाँ पर भी लो किया था और यही एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इसको ले लें इवन ये यहाँ को भी रिटेस्ट कर सकता है 21 रुपए को, इसने अभी 21.50 के अराउंड लो किया था फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, वैसे 21.12 का है तो मंथ डेली पे आप इसको देख सकते हैं कि 21.12 के नीचे अगर परफॉर्म करता है तो फिर ये मजीद नीचे आ सकता है। अभी फिलहाल ऊपर के ही चांस लग रहे हैं क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है ये मैंने इसको अभी बताया 33 रुपए 27 पैसे 27 रुपए के बाद ब्रेकआउट के बाद, ठीक है फिर दूसरा लेवल जो हमारे पास ये आ सकता है ये इसका हम नेकलाइन, बल्कि हम ये ले लेते हैं इसकी जो है क्लोजिंग ले लेते हैं इस कैंडल की, ये वाली कैंडल जो है इसकी बेरिश कैंडल की हम क्लोजिंग ले लेते हैं, ठीक है ये वाला और इसकी 38 ये समझे बिटवीन 37.88 to 38, बल्कि हम यही ले लें टू बी ऑन द सेफ साइड, फिर ये एक टारगेट होगा हमारा, ठीक है इसको भी मैं रेड कलर दे देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन भी यहाँ से मिल सकती है और फिर एक ये टारगेट होगा हमारा ये वाला टारगेट, ठीक है ये इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। हालांकि वीक बनी थी इसके ऊपर, ये बीच ने इसने परफॉर्मेंस दी थी बहुत अच्छी, रैली बनते हुए देखी थी, ये जून 2021 का महीना था जहां इसने ये 50 रुपए का हाई किया था, लेकिन एक्चुअली इसका जो रेजिस्टेंस देखें, देखें हिस्ट्री में अगर देखें तो इसने ये पहले भी यहाँ पे 2018 में या इस ये लेवल को इसने रिटेस्ट किया था ये वाला लेवल, तो ये 45 रुपए का जो लेवल है इसकी हम ये ले लेते हैं, इसके ऊपर अभी तक कैंडल ही बनी है, अगर ये 45 रुपए का कोई अच्छी कैंडल बनती है तो फिर अगला टारगेट हमारा होगा 64 रुपए 53 पैसे 84 रुपए 29 पैसे 96 रुपए 68 पैसे, ये फिर टारगेट्स होंगे, फिर ये इन टारगेट को ये अचीव कर सकता है। मैं थोड़ा सा इसको ये नैरो करके आपको बता देता हूँ, ये फिर ये हमारे पास टारगेट्स होंगे टारगेट प्राइस, ठीक है ये एक टारगेट प्राइस होगा, फिर एक ये टारगेट प्राइस होगा, तो ये हमारे पास टारगेट्स होंगे। और अभी फिलहाल जो है थोड़ा कॉशियस रह के काम करें क्योंकि इस वक्त आरएसआई थोड़ा सा मंथली पे हाई है, ठीक है ना आरएसआई मैं आपको बता दूं, देखिए मंथली पे इसने यहाँ 58 किया था, ठीक है यहाँ और फिर इसके बाद जो है 42 पे आया था, ये 37-42 करके इसके बाद जो है आरएसआई 58 पे हाई पे गया, अभी ये 52 55 54 ये यही चल रहा है यहाँ पे, इस वक्त समझिए साइडवेज है, इसको हम साइडवेज कहेंगे, साइडवेज में थोड़ा सा डे ट्रेड करें विद स्टॉप लॉस अवॉइड करें, अनलेस और अंटिल ये 27 रुपए पूरा महीना जो है महीना दो महीना इसको ये सस्टेन नहीं करता है तो आप डे ट्रेड ही करें इसमें फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ। अगर इसके बाद ये इसके ऊपर बुलिश कैंडल बनती है यहाँ पे, जैसे फॉर सपोज मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं, मैंने पहले ही बताया था इसके ऊपर यहाँ बुलिश कैंडल बनती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ठीक है मेरा येलो कलर है कस्टमाइज, तो फिर ये 33 रुपए 27 पैसे 38 रुपए 45 रुपए और फिर मैं आपको बता दूं अगले टारगेट 64 रुपए 84 रुपए और 96 रुपए, मतलब 100 रुपए तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अच्छा अब आ जाते हैं दूसरा ANL Asgard 9, ठीक है। अच्छा ये जो मैं आपके साथ अभी जो भी शेयर किया ना ये एसिड बेस्ड है,
इनमें इतना डर नहीं है, स्पेशली मैं एनएल इसलिए प्रेफर करूंगा, टावल भी अच्छा है, टावलर्स भी अच्छा है, यूनिटी भी अच्छा है। यूनिटी इस वक्त हायर साइड पे गया हुआ है ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। मैंने आपको जिस तरह बता दिया उसी हिसाब से आपने टेक्निकली जो बताया उसी हिसाब से आपने ट्रेड करनी है। फाइनेंशियल किसी के कोई अच्छे नहीं इतने खास, एक्सेप्ट टावलर्स, टावलर्स के अच्छे हैं। बाकी यूनिटी एनएल ये आपको प्राइस में आपको जो है ना कैपिटल गेन देते हैं, प्राइस की अप्रिसिएशन इसमें बहुत अच्छी मिलती है। तो उसमें मैं छोटे इन्वेस्टर के लिए स्पेशली यूनिटी बहुत अच्छा है, यूनिटी भी गुंजाइश बनती है, लेकिन अभी वो इस वक्त हायर साइड पर है। मंथली पे देखें, हायर साइड पे इस वक्त, ये भी मंथली पे हायर साइड पे, लेकिन इतना अभी इसमें स्प्रेड नहीं हुआ है। अगर इसका आप देखें तो लो 5 रुपए का था और ये 9 रुपए आया, यहाँ से इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं आया अभी भी इसमें, इसमें गुंजाइश बनती है अभी एएनएल में। अच्छा, एएनएल का भी अगर हम देखें, मैं आपके साथ अगर शेयर करूं मंथली का, तो ये श्रिंक हो रहा है। अच्छा, वही अपसाइड पर है, इसी का वही ब्रेकआउट 9 9:40 है, एटलीस्ट 9:40 के ऊपर, ये ऊपर परफॉर्म करता है। अभी इसने रिसेंटली 10 रुपए का हाई किया है जहाँ, और वहां पे हमने रिजेक्शन भी विटनेस की है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है। एक्चुअली इसका जो है ये वाला एरिया है 9:70 का, ठीक है, 9:70 का, इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसकी क्लोजिंग थी, यहाँ ओपनिंग थी ये वाली कैंडल की। बल्कि हम इसको यहाँ पे सेफ साइड पे ले लेते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से 9:78 9:80 ये इसका सेलिंग एरिया था। मतलब सेलिंग एरिया इन द सेंस, या प्रॉफिट ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा 5 रुपए 39 पैसे, और इवन यहाँ पे भी देख लें 5 रुपए 78, 5 से 6 के दरमियान किसी ने बाय किया होगा, तो वो जाहिर सी बात है यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करेगा, ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें अच्छे से, पहले फाइनेंशियल देख लें, फाइनेंशियल देखें तो क्वार्टरली अर्निंग अच्छी, अब इसकी जरा इंप्रूवमेंट देख लें, यहाँ पे 45 पैसे था, फिर इसके बाद ये 1 रुपए 50 पैसे के अराउंड 49 पैसे जो है क्वार्टरली अर्निंग आना शुरू हुई है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं है, इसकी हिस्ट्री देख लें आप पूरी, कोई डिविडेंड नहीं है, प्राइस में आपको ये कैपिटल में गेन देता है अच्छा खासा। अच्छा, इसकी भी अगर हाई देख लें तो उसने हाई किया था 38 रुपए 98 पैसे का, लेकिन यहाँ पे इसकी एक्चुअली जो रेजिस्टेंस बनती है वो ये बनती है, इसकी नेक लाइन जो ओपनिंग थी, ठीक है, या ओपन तो हुआ देखें ये, बल्कि आप इसको ले लें तो भी ऑन द सेफ साइड, ये क्लोज हुआ लेकिन इसको नेगेट किया इस कैंडल ने, इसकी इसकी क्लोजिंग के ऊपर कोई क्लोजिंग आएगी, ओपनिंग होगी और इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आएगी तो फिर ये मजीद अपसाइड इसमें हम देख सकते हैं। अभी अभी तो फिलहाल देखें अच्छा स्टॉक है, मंथली पे श्रिंक हो रहा है सीपीआर डाउन साइड पे काफी, क्योंकि देखें 40 रुपए के अराउंड आया था, 5 रुपए आया, तो यहाँ पे तो बाय बंद कर कर सकते हैं आप। अगर मंथली पे देखें तो ये एक अच्छा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ये 45 पैसे, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 8 रुपए 45 पैसे जो है ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो है ये अच्छा सपोर्ट लेवल 6 रुपए 70 पैसे तक, ये एरिया ऑफ, बल्कि इसको ले लें ये 7 रुपए 26 पैसे, ये एक अच्छा एरिया ऑफ वैल्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू, यहाँ पे आपने दैट मीन्स कि यहाँ पे रिस्क जरूर ही लेना है, रिस्क नहीं लेंगे तो आप गेन नहीं कर सकेंगे कुछ भी। रिस्क आपने कहीं ना कहीं किसी ना, जिनका इंटरेस्ट देखे, मैंने ये चूज किए हुए जो मेरे मेंबर्स हैं ग्रुप के और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके कहने पे मैं कर रहा हूँ, तो जो मुझे उसको एनालाइज करते हुए जो अच्छा लग रहा है तो मैं बता भी रहा हूँ कि भाई ये अच्छा लगता है स्टॉक, यहाँ से अपर अपर साइड पे ये मूवमेंट दिखा सकता है। इसको मैं जरा क्लियर करके आपको बताता हूँ ये फिर ये कहाँ तक जा सकता है, इसको मैं फिर ये ट्रेंड लाइन के हेल्प से जब हम देखेंगे इसको। पहले देखें ये हाई किया था इसने यहाँ 9 7 रुपए 94 पैसे, 8 रुपए तक भी गया है, ठीक है, लेकिन इसके बाद अभी ये पहला ब्रेकआउट मिला है, तो दैट मींस कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, कोई निगेशन नहीं आनी चाहिए इसकी, कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर आने वाले दिनों में ये कहाँ तक जा सकता है ये भी मैं आपको बता दूं। पहले इसको मैं ये ब्लैक कलर दे दूं और थोड़ा सा इसको थिन कर दूं, बहुत ये ठीक हो गया ये लाइन, ये ठीक है, तो हमको समझ में भी सही से आएगा, ठीक है। तो फिर आने वाले दिनों में ये टारगेट जो है 11 रुपए 66 पैसे जो स्ट्रॉन्ग टारगेट है इसको भी देख सकते हैं हम, ठीक है, ये वाला है, ये मैं आपको ग्रे रेड कलर दे देता हूँ उसको, ठीक है। एक टारगेट तो फिर हमारा अगला ये होगा, ठीक है, इसके बाद जो है ये वाला टारगेट होगा, इसको हम ले लेंगे, इसकी नेक लाइन, इसकी ओपनिंग है, इसकी नेक लाइन रेजिस्टेंस ले लेंगे, फिर ये यह यहां तक मूवमेंट दिखा सकता है 14:45 से लेके 15 रुपए तक, ये एक अगला टारगेट होगा,
ठीक है। अब हम आ जाएंगे सेकंड ट्रेंड लाइन की तरफ, अगले टारगेट की तरफ। 15 रुपये तो इंशाल्लाह ये 14.5-15 रुपये आपको दिखा देगा। अगर ये 9.70 को सस्टेन करता है तो 15 रुपये फिर आप अपना टारगेट इसी हिसाब से सेट करें। मेरे हिसाब से तो 15 रुपये आप इनिशियली सेट करें, क्योंकि इसमें वॉलिटिलिटी बहुत आती है और एसेट बेस्ड। अच्छा मैं ये बता रहा था कि सब कंपनीज एसेट बेस्ड है। पार्क सुजुकी का भी मैंने 2020 में इसीलिए किया था, 500 रुपये लोग कहते थे क्यों होगा, मैंने कहा नेट एसेट वैल्यू NAV जो फाइनेंशियल, मुझे इतना मैं जैसे पहले बताया मैं ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है फंडामेंटल पे, लेकिन जो जिनकी ग्रिप अच्छी है फाइनेंशियल पे और फंडामेंटल पे उनको पता होगा नेट एसेट वैल्यू जो है एक कोर टूल है और फ्यूचर प्रिडिक्शन। अगर आप किसी स्टॉक की करते हैं वो NAV करते हैं। अब जैसे सुजुकी ने बाय बैक किया, खबर तो अच्छी नहीं है या बाय बैक करा, लेकिन उसकी नेट एसेट वैल्यू बहुत अच्छी थी, इसी वजह से ये 550 रुपये गया है। और इसी बेस पे मैंने क्या था कि मैंने कहा अगर ये खत्म भी होता है खुदा ना खास्ता तो आपको 500 रुपये तक ये टारगेट आप फिर भी आप रखें, चाहे खत्म हो जाएगा तो भी आपको 500 रुपये ये मिल जाएंगे। और यही इसी वजह से ये भी एक एसेट बेस्ड कंपनी है। टावलर्स हुआ, यूनिटी हुआ, इनके एसेट्स हैं, ठीक है ना। PICT हुआ, जितने भी IT कंपनीज है ना ये इक्विटी बेस है, इनके मशीनरी वगैरह इक्विपमेंट होते हैं, और ये जो मिल्स होती हैं कंपनीज जो होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इनके एसेट्स होते हैं, ठीक है। अब परचेस किए हुए हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, परचेस की उसी पे इनकी नेट एसेट वैल्यू बनती है। तो इनके पास भी लैंड काफी है, ANL के पास अपनी अपनी फैक्ट्री के अलावा भी इसके पास जमीनें काफी हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि अगर ये खुदा ना खास्ता अगर खत्म हो जाएगा, अब इस रेट में देखें क्या होगा, ठीक है। 10 रुपए के नीचे वैसे ही आपको मिल रहा है, इसकी जो फेस वैल्यू है 5 रुपए आया था, 5 रुपए में लेना चाहिए था। बहुत से लोग उस वक्त भी डर रहे थे खत्म पे, खत्म हो जाएगा तो बाय बैक करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो काफी जो रूल चेंज हो रहे हैं, बाय बैक करेगा तो नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से तो बहुत ऊपर जाएगा ये। तो एसेट बेस्ड कंपनीज में जो है आप मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट करें, अभी भी काफी स्टॉक ऐसे हैं जो डिस्काउंटेड है, ठीक है ना। तो एक हम अब यहां पे निकालेंगे अगला टारगेट, फिर हमारा ये होगा 15 रुपए 38 पैसे, ठीक है, वही 14 रुपए, 14.5 रुपए से लेके 15.5 रुपए, ये हमारा अगला टारगेट आ गया, हमने इसके हिसाब से लगा लिया है। अच्छा अब ये जब इसको ब्रेक करेगा ये टारगेट को 15 रुपए के ऊपर, तो फिर आने वाला टारगेट जो हमारा ये हो सकता है, इसको हम ले लेंगे इसकी नेक लाइन। ये मैं आपको मंथली के साथ शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा आपको डेली पे काफी है, तंग भी करेगा कहीं ना कहीं, रेजिस्टेंस लेगा, जैसे यहाँ पे एक ही हर्डल आ रहा है, ठीक है। ये हर्डल आ सकता है 22 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए, ये भी एक बीच में हर्डल है, ठीक है। और एक ये हर्डल है 17 रुपए, ये सब हर्डल आ सकते हैं बीच में, लेकिन ये टेम्परेरी होंगे, ठीक है ना। इसकी मैं आपको एक और चीज आपको प्लॉट करके बता दूं जो इसकी इंडिकेशन आपको देगा अच्छी, अपर साइड पे मूविंग एवरेज मंथली पे 50 लेंगे आप। देखिए अगर आपको ट्रेंड मालूम करना है तो उसको डेली पे आप अप्लाई करेंगे 200 और मंथली पे आप इसको लेंगे 50, इसको मैं 50 कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है महीनों में करें तो 50 महीने काफी हो जाते हैं, तो 50 महीने की देखें एवरेज ये आती है। और देखें एग्जैक्टली आप देखें सिंक्रोनाइजेशन देखें इसकी आप, जैसे मैंने बोला कि 15 के ऊपर जाएगा ये यहाँ पे टेस्ट करेगा अब तो 15.5-15, तो फिर ये वॉलेटाइल हो जाएगा बहुत जबरदस्त। मैं यहाँ पे आपको ये बना देता हूँ एक कैंडल, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनती है इसकी, इसको भी मैं थोड़ा थिक करके येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये 17 आपको दिखाएगा थोड़ी देर, लेकिन ये 17 करके रिटेस्ट करेगा, हो सकता है यहाँ पे ये। तो आपने इस एरिया में फिर आपने ब्रेकआउट के बाद बाय करना है, और फिर ये आपको जो 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए और इवन 36 रुपए भी आपको दिखा देगा। और लाइन चार्ट के हिसाब से देखें, अब ये देखें यहाँ पे ये जबरदस्त ये बना रहा है, इवन यहाँ पे इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर देखें। अच्छा आप कभी कभी जो जो सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, लाइन चार्ट जो है ना आपके सारे नॉइज क्लियर कर देता है, विक्स की जो विक्स की वजह से बहुत नॉइज हो रही होती है ऊपर, देखें कि बड़ी बड़ी विक बनी होती है। एक्चुअली आपके जो रेजिस्टेंस है वो इसका राइट शोल्डर है, हैंड एंड शोल्डर का 34 रुपए से लेके 36 रुपए तक, अगर यहाँ कोई विक बन रही हो वापस तो फिर आप जैसे यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग कर लें, फिर आप वेट करें 36 या 37 रुपए के ब्रेकआउट का। ये वाला एरिया मैं आपको बता दूं, ये वाला एरिया 37 रुपए का वेट करें। अब देखें कभी भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ से बहुत ही वॉलेटाइल हो जाता है,
ठीक है, तो फिर हमारा अगला टारगेट जो है फिर ये 57 रुपए 15 पैसे होगा इसका, और ये यहां तक जा सकता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और बाय चाहे तो आप नीचे इमोटिकॉन जैसे लोग देते हैं, इमोजी हंसने वाला दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा है किसी बहाने में मुस्कुराएंगे तो सही, तो आप दे सकते हैं। मुझे अक्सर एनालिसिस पे मेरे इसी पे जो अनएक्सपेक्टेड लग रहा होता है तो वो मुझे वो हंसने वाला जो है इमोजी भेज देते हैं। अच्छी बात है, चले मुस्कुराएं आप, लेकिन ये कि मिस ना करें चांद। आप भले मुस्कुराएं, मेरे एनालिसिस का मजाक भी उड़ाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन काइंडली रिस्क ले लिया करें ताकि आपको भी फायदा हो। फिर इसके बाद आप उसको करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई आपने जो है प्रॉफिट टेकिंग के बाद अपने एंट्री ली और मुस्कुराए, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे भी खुशी होगी आपके साथ, मैं भी आपकी खुशी में शामिल होऊंगा इंशाल्लाह। और ये मैं इसीलिए शेयर करता हूँ कि आप कमाएं इसमें, जो है अपने बेटी के घर के वजह उसको बाप का घर बनाए, ठीक है, तो कमाए आप। अच्छा एक और भी एक टारगेट ये हमारा सेट, ये मैंने अपने टारगेट अपने सेट किए हुए, आप अपना मुख्तलिफ टारगेट सेट कर सकते हैं। तो मेरा फिर इस पे टारगेट होगा 57 रुपए 88 रुपए और 120 रुपए, ये फिर मेरे टारगेट होंगे एएनएल के, क्योंकि इसके बाद ये बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा। क्योंकि जो मेरा ऑब्जर्वेशन रही, जो मेरी रीडिंग रही है वो यही रही है, मैंने नेटसोल का भी किया था, हेड एंड शोल्डर बन रहा था ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम, आवाली भी बन रहा था अराउंड 74-75 के अराउंड जो है ये बन रहा था, फिर इसने 50 रुपए रिटेस्ट किया, फिर ये 300 रुपए गया है नेट सोल। मैं इसका भी बता रहा हूं कि यहाँ पे आप अपर साइड पे ब्रेक अगर ये कर गया, ये वाला एरिया जो मैं आपको तो बता रहा हूँ 37 रुपए का, इसको थोड़ा सा और वो कर दूं मैं, अब ये वाला एरिया 37 रुपए का एरिया ब्रेक करेगा तो ये बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा, और ये इवन 120 रुपए तक भी जा सकता है एएनएल। तो बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो गई है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।